हेलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों आज बात करने वाले हैं ड्रोन इंडस्ट्रीज के बारे में जी हाँ दोस्तों और ड्रोन इंडस्ट्रीज़ में कौन सी कंपनियां बेहतरीन काम कर रही हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं और साथ में बात करेंगे कि ये इंडस्ट्री कितने परसेंट सी के हिसाब से ग्रो कर सकती है तो यहाँ पे मैंने एक रिपोर्ट निकाला है आप देखेंगे कि अभी फ़िलहाल में जो ड्रोन का रेवेन्यू है वो 27 मिलियन यूएस डॉलर है आप देख सकते हैं 2024 में और ये ग्लोबली तौर पे 5.96 पॉइंट के हिसाब से ग्रो करने वाला है यहाँ पे आप देख सकते हो 24 से 28 के बीच में लेकिन अगर वहीं भारत की बात कर लें तो यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ हो रही है 6.6 परसेंट सी के हिसाब से 2025 तक यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे कि पचहत्तर पीस रीच होगी इंडिया में 2028 तक पर पीस रीच होगी अभी फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा कम है तो हम बात करते हैं ऐसी कुछ कंपनियों के बारे में जो कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करती हैं या फिर इसमें अग्रणी भूमिका निभा रही हैं या फिर किसी के साथ कोलेबरेशन की हैं तो ऐसे या फिर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में निवेश किए हैं तो जो पहली कंपनी है और जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है यानी मार्केट लीडर है ड्रोन में वो है आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड दोस्तों ये कंपनी जब सात सौ रुपये के आसपास थी तो मैंने एक ट्वीट किया था और मैंने बताया था कि इसका समय हो गया है कि अब आप इसे ले सकते हैं और इसका जो रिजल्ट था वो भी ठीक ठाक आया था आइडिया फोर टेक्नोलॉजी लिमिटेड अभी फ़िलहाल में जो है कि आठ सौ इक्कीस रुपये के प्राइस पे ट्रेड कर रही है यानी अभी भी यह लेने लायक है यहाँ पे आप देखेंगे कि पैंतीस का मार्केट कैप है और यहाँ पे आप ये देखिए कि जो इसका पी है काफ़ी ज़्यादा हाई है लेकिन जब आप इसका फॉरवर्ड पी निकालने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा फॉरवर्ड पी कैसे निकालते हैं तो जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दिसंबर में इसका जो नेट प्रॉफिट दिख रहा है पंद्रह करोड़ का इसको हम फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी साठ करोड़ हो गया और जब साठ करोड़ यहाँ पर आ जाएगा तो हम साठ करोड़ को भाग दे देंगे पैंतीस सौ उन्नीस करोड़ से तो जितना आएगा वो यहाँ पे आपको वो फॉरवर्ड पी शो होने लगेगा दोस्तों तो आप अभी से इसको अकोमलेट कर सकते हैं और आने वाले समय में यह एक डिमांडिंग सेक्टर होने वाला है आपको ये बात समझनी पड़ेगी और भी बहुत सारी कंपनियाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसके बाद मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी आपके साथ साझा कर देता हूँ आप यहाँ पर देख पाओगे प्रोमोटर के पास थर्टी परसेंट के आसपास स्टेक है और एफआईआई के पास थ्री पॉइंट फोर सिक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफआईआई ने स्टेक अपना इंक्रीज किया है जबकि डी ने अपने स्टेक को घटाया है सिक्सटी परसेंट का स्टेक अब पब्लिक के पास है दोस्तों मेन बोर्ड में लिस्टेड कंपनी है, आप चाहो तो इसे देख सकते हो ले सकते हो अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ जो कि ड्रोन डिफेंस ड्रोन में काम करता है तो आप गेस कर सकते हैं तो आप मुझे बताइए दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में जब इसका आई आया था तो काफ़ी ज़्यादा धूम मचाया था बारह सौ के आसपास पहुँच गया था फिर तब से ये उस प्राइस को छू नहीं पाया है दोस्तों आई आए हुए इसके डेढ़ साल से भी ज़्यादा हो गए पारस डिफेंस ये कंपनी में ड्रोन आ, सेक्टर में काम कर रही है डिफेंस ड्रोन के सेगमेंट में यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका मार्केट कैप पच्चीस सौ अंठावन करोड़ रुपए है और सत्तासी के पी पे ट्रेड कर रही है इंडस्ट्री का पी 72 सेवेंटी टू है आर और आर के हिसाब से आ, थोड़ा सा ठीक नहीं है कम से कम फिफ्टीन तो होना ही चाहिए था कोई भी डेट नहीं है ये बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए और पेग रेशियो के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ओवर यह स्टॉक है तो पेग रेशियो के हिसाब से पेग कह का राय कि आप इसे मत लो लेकिन आ, आ, फिर से अगर पाँच 500 के आसपास आता है तो आप इसमें इस बाय करके चल सकते हो और पैसे बना सकते हो दोस्तों जो अगली कंपनी है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं फिर उसके बाद अगले स्टॉक पे चलेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है यहाँ पे आप पाएंगे कि 58 परसेंट की होल्डिंग प्रमोटर के पास है पॉइंट फोर नाइन परसेंट की होल्डिंग एफ के पास है और डी के पास टू पॉइंट सेवन थ्री और उसके बाद 37 परसेंट की होल्डिंग जो है कि पब्लिक के पास है यानी हमारे और आप जैसे जो अगला स्टॉक है दोस्तों उसके बारे में हम बात करेंगे अगला जो स्टॉक है दोस्तों जेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड जी हाँ दोस्तों जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड आप सॉरी जेंसार खुल गया मैं जेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ जेन्ार के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ जिनसार दूसरा यहाँ पे देखिए कि इस कंपनी को भी भारी भरकम ऑर्डर मिलता रहता है और काफ़ी ज़्यादा भाग चुकी है कंपनी है अगर आ, हम देखें कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ड्रोन सल्यूशन फॉर डिफेंस के लिए ये काम करती है मैं आपको बता कि पारस डिफेंस से ज़्यादा इस कंपनी को जेन टेक्नोलॉजी को ऑर्डर मिलता है डिफेंस सेक्टर में ये बात आपको भूलना नहीं है यहाँ पे आप देखेंगे कि आठ हज़ार बाईस करोड़ का मार्केट कैप है नौ सौ पचपन के प्राइस पर ट्रेड कर रही है दो सौ छप्पन का लो है नौ सौ पचपन का ही इसका हाई दिख रहा है यानी अपने हाई पर ट्रेड कर रही है यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक का पी सेवेंटीन है और जबकि इंडस्ट्री का पी फिफ्टी सिक्स है आर ओ आर ओ सी के हिसाब से कोई शिकायत नहीं है और आप देखेंगे कि पेग रेशियो के हिसाब से यह स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड है फेस वैल्यू आप देखेंगे कि एक है यानी अभी आपको एक कोई स्प्लिट वगैरह देने वाला नहीं है बोनस दे सकता है एक बार अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को चे चेक कर लें तो आप देखेंगे कि आप प्रमोटर के पास 55 परसेंट की होल्डिंग बरकरार है और जो एफ है उनके पास 4.65 और डी के पास 3 परसेंट की होल्डिंग है यहाँ पे आप देखेंगे कि डी ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है और पब्लिक के पास 36 परसेंट की होल्डिंग है दोस्तों एक बार अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट को ट्रैक करेंगे तो आप देखेंगे कि क्वार्टरली रिज़ल्ट में भी कंपनी उमदा परफॉर्म करती हुई दिखाई पड़ रही है दोस्तों इस बात को आपको बोलना नहीं है जन टेक के बारे में मैं बात कर रहा था जेंसार के बारे में नहीं तो दोस्तों ये हो गई जेन टेक अगली जो कंपनी है दोस्तों यह एक एस कंपनी है ड्रोन uh, डेस्टिनेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ एक कई इंडस्ट्रीज uh, को सर्व करती है एस कंपनी है यानी एक माइक्रो माइक्रोकैप की कंपनी है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे रिस्क भी उतना ही है लेकिन एक यह एक हॉट सेक्टर है तो आप इसे भी चुन सकते हो आर ओ के हिसाब से यह स्टॉक बम्पर दिखाई पड़ रहा है फेस वैल्यू दस है पंचानवे का आई है और सॉरी पंचानवे का लो है एक सौ बानवे का आई है एक सौ छाछठ की प्राइस पे ट्रेड कर रही है चार सौ करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों ये यही एस एम ई हैं जो कि आपको बेहतरीन मुनाफा देती हैं स्टॉक का पी एक सौ पैंसठ है जबकि इंडस्ट्री का पी एक सौ पच्चीस है काफ़ी ज़्यादा हाई पी में यह इंडस्ट्री ट्रेड कर रही है आपको यह देखने से पता चल गया होगा तो दोस्तों ये कौन सी इंडस्ट्री जाए आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ ये कंपनी ऑलमोस्ट डेड फ्री है मिसलेनियस सेगमेंट में काम कर रही है और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लें तो इकसठ परसेंट की होल्डिंग है प्रमोटर के पास इन लोगों का जो रिज़ल्ट है जो ऐसे में कंपनियाँ छः महीने के बाद आता है यह बात बोलना नहीं है एफ आई आई के पास थ्री पॉइंट नाइन फाइव डी आई आई के पास वन पॉइंट फाइव फाइव और पब्लिक के पास थर्टी थ्री परसेंट की होल्डिंग है दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने ये चार कंपनियाँ बता दी और अगली जो कंपनी है दोस्तों उसके बारे में भी आप यहाँ पे देखना आ, अगली जो कंपनी है वो भी एक एस की कंपनी है और उसमें भी आप चाहो तो निवेश कर सकते हो बहुत सारी मल्टीपल कंपनियाँ हैं जो कि इस सेगमेंट में काम कर रही हैं द्रोनाचार एरियल इनोवेशन लिमिटेड ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर आप पैसे लगाएंगे तो आपको धोखा नहीं देगा मार्केट कैप 416 करोड़ है एक के प्राइस पर ट्रेड कर रही है इंडस्ट्री का पी 125 है स्टॉक का पी उनसठ है यानी यह या स्टॉक ड्रोन एरियल से सस्ता है ये बात आप ध्यान देना सॉरी ड्रो, ड्रोन डेस्टिनेशन से सस्ता है आप चाहो तो इसमें निवेश करके चल सकते हो फेस वैल्यू दस है यानी कभी भी आपको एक के बदले दस शेयर मिलेंगे और कोई भी डेट नहीं है आर ओ आर ओ सी थोड़ा सा कम है थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए लेकिन ये सुधर जाएगा स्टॉक अच्छा है ये बात ध्यान रखना भारी मात्रा में ऑर्डर भी इसे मिलते रहते हैं दोस्तों अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लें तो 28% परसेंट की होल्डिंग है प्रमोटर के पास आप देख पाओगे कि 28% परसेंट की होल्डिंग है एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है और जो पब्लिक है उनके पास 70% परसेंट की होल्डिंग है जिसके कारण कि स्टॉक में गिरावट भी थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है अगला जो स्टॉक है दोस्तों शायद ही आप इसका नाम सुने हो यह स्टॉक है मैजेलैनिक आप नाम चाहो तो लिख सकते हो वीडियो देखने से पहले सॉरी माफ़ करना अभी ये गलत बटन दब गया है मैं जेलिक हाँ मैं बात कर रहा था मैज क्लाउड लिमिटेड के बारे में यह कंपनी भी ड्रोन सेगमेंट में काम कर रही है जी हाँ तो तो दोस्तों ड्रोन सेगमेंट में काम कर रही है और डाइवर्स इंडस्ट्रीज को यह जो है कि करती है सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है यहाँ पे आप देखेंगे कि सात हज़ार तीन सौ इक्यावन करोड़ का मार्केट कैप है छः सौ उनतीस के प्राइस पे ट्रेड कर रही है छः सौ साठ का हाई है एक सौ तीस का लो है और आर ओ ई आर ओ सी के हिसाब से कोई भी शिकायत नहीं है डेट टू इक्विटी मैनेजेबल है और पेग्रेसिव के हिसाब से हल्का सा जो है कि वैल्युएसन ऊपर चल रहा है यहाँ पे आप प्रमोटर के पास देखेंगे तो 58 परसेंट की होल्डिंग है यहाँ पे आप देख पाओगे और जो एफ आई है उनके पास पॉइंट फोर फोर परसेंट की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 40 परसेंट की होल्डिंग है तो दोस्तों मैजिलिक भी ड्रोन इंडस्ट्री में सर्व कर रही है आपको ये बात समझना पड़ेगा और जो भी एफ आई हैं वो अपना होल्डिंग बढ़ाना शुरू कर चुके हैं तो दोस्तों दोस्तों एयर तो रही वैसी कंपनियाँ जो कि मेन रूप से ड्रोन में जुड़ी हुई है ड्रोन सेगमेंट में जुड़ी हुई है और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि इसमें जुड़ी हुई है जैसे कि रतन इंडस्ट्री आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं रतन इंडिया इंटरप्राइजेज यहाँ पे आप देख पाओगे एक मिनट हाँ ए खुलजा भाई हाँ देखिए ए कंपनी भी इसमें जुड़ी हुई है इसका मार्केट कैप भी ग्यारह हज़ार चार सौ अड़तीस करोड़ रुपए है अभी कुछ दिन पहले फिफ्टी के आसपास ट्रेड कर रहा था तब भी शायद मैंने वीडियो बनाया था आप देखेंगे कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसके थोड़ा सा परिचय के बारे में अगर इसके वेबसाइट पे भी मैं आपको वीडियो बनाया था पीछे की वीडियो आप देख सकते हो इसके बारे में मैंने बताया था कि यह स्टॉक अच्छा करेगा और लगभग में यहाँ से दोगुना हो चुका है तो दोस्तों इरा रहा रतन इंडिया और और जो कंपनियां हैं जैसे कि अडानी इंटरप्राइजेज भी आ, ड्रोन इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है वो काम कर रही है सोलार इंडस्ट्रीज जो कि एक्सप्लोसिव की कंपनी है वो भी इस सेगमेंट में काम कर रही है और आप इन्फोएज के बारे में जानते हो कि ये उन कंपनियों में निवेश करती है जो कि एक स्टार्टअप है या फिर स्टार्टअप की तरह काम कर रही है तो इन्फो एज भी आप देख पाओगे कि ये कंपनी भी ड्रोन बनाने वाली कंपनियों में निवेश कर रही है तो आप इसे भी ट्रैक कर सकते हो साथ में कोरोमंडल इंटरनेशनल विष्णु सूर्या इन्फ्रा को भी आप ट्रैक कर सकते हो और दोस्तों ये तो रही इतनी सारी कंपनियों के बारे में अगर आपके पास इनमें से कोई कंपनी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और आप बताना कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी